राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को देश के लिए मुसीबत करार दिया। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल प्रियंका रोज झूठ बोलते हैं, मुझे तो लगता है कैसे मूर्ख हैं। क्रिकेट का मैच हुआ, प्रधानमंत्री देखने गए, बताओ अपनी टीम का हौसला बढ़ाने जाना चाहिए था या नहीं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को राष्ट्र के लिए मुसीबत करार दिया। ये राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस की मुसीबत नहीं है, राष्ट्र की मुसीबत बन गए। राहुल प्रियंका रोज झूठ बोलते हैं, अरे भाषण में नहीं आता, मुझे तो लगता है कैसे मूर्ख है। क्रिकेट का मैच हुआ, प्रधानमंत्री जी गए देखने, बताओ अपनी टीम का होता माने जाने चाहिए था कि नहीं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि भारत जीते, बाई चांस हार गए तो पूरे देश की आंखों में आंसू थे और राहुल प्रियंका खुश हो रहे थे, मजा आ गया, मोदी चले गए, हार गए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला ने पनौती वाले बयान पर कहा कि हमने पनौती कहा ही नहीं, शिवराज सिंह नरेंद्र मोदी को पनौती मानते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक का चुनाव लड़ा, हिमाचल का चुनाव भी लड़ा और नतीजा सबके सामने है। शिवराज सिंह को यह एहसास है कि उन्हें हटाकर MP के मन में मोदी कर दिया गया है। भाजपा पनौती शब्द पर जोर दे रही है, गार्डन मौजूद थे तो पनौती शब्द वहां से आया है, हमने कभी नहीं कहा, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। और भाजपा बार बार पनौती शब्द पर जोर दे रही क्योंकि भाजपा खासकर शिवराज जी नरेंद्र मोदी जी को पनौती मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में कर्नाटक भी लड़ा, हिमाचल भी लड़ा, क्या नतीजा हम सबको सामने है। और शिवराज जी को यह भी एहसास है कि शिवराज को हटा के MP के मन में मोदी कर दिया, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को अभी से पनौती साबित करने में लगे। मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए वो ज्यादा मुसीबत है, क्योंकि भाजपा राहुल गांधी जी के अलावा उनके रहन में कुछ चलता नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या उनके विकास कार्य, इन पर कभी बात नहीं करते। हमेशा राहुल गांधी जी गांधी परिवार पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, उनकी सस्ता तक छीन ली, उनका बंगला तक छीन लिया, अब फिर से पनौती शब्द को लेकर उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और फिर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। ये वही चुनाव आयोग है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर संज्ञान नहीं लेता है, जो प्रधानमंत्री के किसी भी बात पर संज्ञान नहीं लेता। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए नपुंसक के तक कह चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, उस पर चुनाव आयोग कभी संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन हाँ, हम मानते हैं कार्रवाई सिलेक्टिव है, मुकाबला करेंगे। राहुल गांधी मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी चुनौती है तो भाजपा के लिए है, भाजपा आए और मुकाबला करे उनका। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।